हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो 26 जनवरी में दिल्ली कूच करने के लिए प्रदेश भर में किसानों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड की तैयारियों को लेकर खाप, सामाजिक, कर्मचारी और व्यापारी संगठनों की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए फोगाट के प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। उन्होंने राजनेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वो आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो किसानों की ही बदौलत है। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को दादरी में ट्रैक्टर मार्च कर रिहर्सल की जाएगी। 25 जनवरी को समस्तपुर टी पॉइंट में सुबह 10 बजे जिले से हजारों ट्रैक्टर रवाना होंगे। किसान नेता राजू मान ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में अद्भुत झांकी देखने को मिलेगी। एक और किसान के जवान बेटे टैंक चलाते हुए दिखेंगे, उसके साथ साथ किसानों के ट्रैक्टर भी चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे 26 जनवरी को जो किसान परेड होनी है दिल्ली में, उसकी तैयारियों के लिए एक अहम बैठक आज विभिन्न खापों के सामाजिक संगठनों के व्यापारिक संगठनों की हुई है और उसमें यह फैसला लिया गया है कि 17 तारीख को दादरी में ट्रैक्टरों की रिहर्सल होगी और उसके बाद 25 जनवरी को दादरी के जो समस्तपुर टी पॉइंट है वहाँ से दिल्ली कूच किया जाएगा। और 26 जनवरी को जब दिल्ली जाएंगे तो एक अद्भुत झांकी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। एक तरफ किसान का जो जवान बेटा है वो टैंक पे आपको सवार दिखाई देगा, दूसरी तरफ किसान खुद उसके साथ साथ ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आएगा।